हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 54 में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जहां पे हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सीखा था। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 55 में हम सीखने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मार्केट इज जनरली understood as a particular place or locality, यानी forms of market में introduction में हमने सीख रहे हैं कि सबसे पहले क्या बताया जा रहा है आपको, कि market एक जगह है, कोई locality है, कोई place का नाम होता है, normally generally हम यही समझते हैं, where goods and are sold and purchased, जहाँ पे एक चीजें हैं जो खरीदे और बेची जाती हैं, but in economic terms, ये तो normally terms में हमने market का मतलब देखा, जहाँ पे goods को purchase and सेल किया जाता है, इस पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। ये तो सारांश शब्दों में, नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं, ठीक है। बट इन इकोनॉमिक टर्म्स, अब इकोनॉमिक्स में मार्केट कैसे कहते हैं, मार्केट रिफर्स टू अरेंजमेंट थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स कम इन अ कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जहां पे क्या होगा, इकोनॉमिक्स में क्या है कि मार्केट एक ऐसी जगह जहां पे बायर और सेलर एक जगह आते हैं, बायर और सेलर एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, एक अरेंजमेंट है जहां पे दोनों सामने आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, चाहे वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, एक बायर एक सेलर फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है उनके बीच में, बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजेक्शन होता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकती है। गुड्स होगा तो ऑब्वियसली टेंजिबल होगा, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सर्विसेज होगी तो वो इनटेंजिबल होगी एंड टेक प्लेस अमंग देम, और फिर ये क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन के बाद यानी सेलर अपना प्रोडक्ट बेच देता है बायर को और बायर इसका पेमेंट कर देता है सेलर को। तो इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स में, कि इकोनॉमिक टर्म में आपको समझाया गया कि भाई मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे प्रोडक्ट को खरीदने वाला और प्रोडक्ट को बेचने वाला एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ मार्केट। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन ऑक्ट्रॉन कॉर्नॉट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट, उन्होंने किस तरीके, ऑगस्टो कॉर्नॉट ने किस तरह से बताया कि भाई मार्केट का मतलब क्या है, टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, ये ऐसी कोई जगह नहीं है कि भाई हर पर्टिकुलर चीज को आप या हर पर्टिकुलर मैदान को आप मार्केट कहते हैं, नहीं, प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, सिर्फ ऐसी एक जगह नहीं जहाँ पे चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, सिर्फ वही जगह मार्केट नहीं है, बल्कि द होल ऑफ एनी रीजन इन विच द बायर एंड द सेलर आर इन सच अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर दैट द प्राइजेस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी ईजी एंड क्विकली, जहां पे प्रोडक्ट को खरीदने वाला दैट इज बायर और प्रोडक्ट को बेचने वाला दैट इज सेलर एक पर्टिकुलर प्राइस पे अग्री भी हो जाते हैं, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा। अगर इनके हिसाब समझ लीजिए कि भाई दुकानदार जो है, जो सेलर जो है, वो 100 रुपीज कह रहा है कि भाई इस प्रोडक्ट का मैं 100 रुपीज लूंगा, लेकिन जो बायर है, कस्टमर है, हम है, वो कह रहे नहीं हम इसका तो 70 रुपीज देंगे, तो ऑब्वियसली जब तक ये प्राइस डिसाइड नहीं होगा, ये क्लोज अरेंजमेंट नहीं होगी, तब तक ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा और तब तक वो जगह मार्केट नहीं कहलाएगी। लेट से कि हमने इस पे प्राइस जो सेट कर लिया वो 80 कर लिया, ठीक है, तो ना ही बायर का प्राइस ना ही सेलर का प्राइस, तो जितना प्राइस क्लोज पहुंचेंगे उतना ही प्राइस को हम चार्ज करेंगे, वही वही जगह जहां पे ये सब अरेंजमेंट हो रही है ये जगह मार्केट कहलाएगी। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। दस मार्केट इज अ नेटवर्क, अभी सिंपल वर्ड में आपको समझा कि मार्केट क्या है, नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर एंड द पोटेंशियल सेलर, किसके बीच में, अभी पोटेंशियल मींस व्हाट, ऑब्वियसली अगर हमने प्रोडक्ट अभी तक बेचा नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ बायर, बेचने वाले हैं, बेचना चाहते हैं, पोटेंशियल बायर, इसी तरीके से कस्टमर ने अभी तक प्रोडक्ट खरीदा नहीं है तो वो क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल बायर हो गया, पोटेंशियल बायर हो गया, ठीक है, जब तक उसने खरीदा नहीं प्रोडक्ट, पोटेंशियल बायर, और जब तक सामने वाले ने बेचा नहीं, पोटेंशियल सेलर, बेचना चाहता है, बेचने के लिए मार्केट में आया है,
तो वो पोटेंशियल सेलर कहलाएगा। जब वो सेल कर देगा तब वो सेलर कहलाएगा। हो सकता है पोटेंशियल मतलब इतना हो सकता है, उसमें स्कोप है, ऐसा कहते हैं ना कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, यस उसी की बात करें। इसी तरीके से पोटेंशियल बायर भी आपको क्या कि भाई अभी उसने प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, जब प्रोडक्ट खरीद लेगा तब वो बायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों यानी पोटेंशियल बायर पोटेंशियल सेलर इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट पे पहुंचेंगे ताकि वो एक दूसरे के कस्टमर और बायर बन सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर सबको समझ में आया। चलिए, एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर। अभी मार्केट किसे कहेंगे? अब वो कहते हैं कि मार्केट में ये सब फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले भाई वहां पे होना चाहिए बायर एंड सेलर। ऑब्वियसली बायर और सेलर के बगैर मार्केट नहीं बनेगा। अ प्रोडक्ट और सर्विस टू बी बॉट एंड सोल्ड, ऑब्वियसली बायर के पास सॉरी सेलर के पास कोई गुड्स होगा, कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी जो वो सेलर को बायर को देना चाहता होगा, ऑफर करता होगा, जिसका प्राइस आपने बताया कि भाई वो 100 मांग रहा है और मैंने 70 ऑफर किया। तो ऑब्वियसली कोई चीज होगी, कोई प्रोडक्ट होगा, कोई गुड्स होगा, कोई सर्विस होगी जिसको सेलर बेच रहा होगा, बायर खरीद रहा होगा। एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी अभी हमको बता दिया उसका प्राइस। अब वो 100 सेलर ने मांगा था, 70 हम पे कर रहे थे, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसका प्राइस भी होना चाहिए। क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, और बायर और सेलर एक जगह पे आना चाहिए, पॉसिबल है। अब वो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी मोड में हो, लेकिन दोनों का कॉन्टैक्ट होना चाहिए किसी भी माध्यम में, किसी भी मोड में, किसी भी जरिए से, किसी भी फॉर्म में दोनों का ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, दोनों की टकराव होना जरूरी है, दोनों आमने सामने आना जरूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर देखिए बहुत सारे आप बात में नोटिस किया होगा कि भाई हमने कोई प्रोडक्ट महंगा खरीद लिया, हमें लगता है कि हमने बहुत महंगा खरीद लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे सस्ता प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था, आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऑब्वियसली आप उस सेलर से टकराए नहीं। आपको उससे सस्ते में मिल जाता लेकिन आप उस दुकान तक उस सेलर तक पहुंचे नहीं, तो आपके पीस में क्या नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जब तक क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा। एंड नॉलेज अबाउट द मार्केट, और आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है। आपको खरीदना कुछ और कहीं और मार्केट में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा मार्केट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप गलती कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के मार्केट के बारे में और प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक इन सभी फीचर रखने वाली जगहों को मार्केट कहेंगे। क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको समझा? इसमें किसी को कोई भी डाउट तो आप चैट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट आप देख पा रहे हैं कि आपको तीन क्लासिफिकेशन दी हुई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। ये तीन अलग अलग मेजर हेडिंग है। तो सबसे पहले मार्केट जो आप देख पा रहे हैं कि एक मार्केट को डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन मीन्स मार्केट को डिवाइड किया गया। कि आप कहेंगे कि मार्केट को डिवाइड करने की क्यों जरूरत है, उसको उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। जिस कोई चीज को, कोई कॉन्सेप्ट को अगर हम छोटा कर देंगे, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हम उससे अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाने के साथ उसको अच्छे से हम एनालाइज कर पाएंगे और उस पर कोई एक्शन ले पाएंगे, कोई स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए मार्केट को भी तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा पार्ट है? पहला ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दूसरा पार्ट कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तीसरा पार्ट कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में आपको जो है तीन अलग अलग बेसिस दिख रहे हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ लोकैलिटी यानी लोकल मार्केट, फिर उसको दिख रहा है नेशनल मार्केट, और आपको दिख रहा है लास्ट में इंटरनेशनल मार्केट। इसका मतलब क्या कि आपका मार्केट अगर हम प्लेस के तौर पे उसको डिवाइड करते हैं, तो मार्केट को हम डिवाइड करते वक्त सबसे पहले कह देंगे कि भाई ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलता है, एक पर्टिकुलर एरिया में चलता है, हमारी लोकल मार्केट जिसे हम कहते हैं, हमारे घर के बाजू में जो बाजार है, हमारे घर का एक कॉमन जो बाजार है वो लोकल मार्केट है, हमारी पूरे कंट्री में एक जो कॉमन है उसे हम कहेंगे नेशनल मार्केट, जिसमें प्रोडक्ट को खरीदने वाला, प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं, उसे हम कहते हैं नेशनल मार्केट। और लास्ट में सबसे पहले बाद में जो आता है इंटरनेशनल मार्केट आता है, जहाँ पे प्रोडक्ट को खरीदने वाला किसी और देश का है, प्रोडक्ट को बेचने वाला किसी और देश से आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने सीखा प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम में क्या है?
टाइम में सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड. अभी क्या है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी, पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. चलिए, तो पहला आपको दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. उसमें फर्स्ट टाइप हमने सीखा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, लोकल, लोकल मार्केट के बारे में बताया गया. लोकल मार्केट, लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर एंड द कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन अ रीजन और द एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस. यानी उसी मार्केट में प्रोडक्ट को बनाने वाला या प्रोडक्ट वहीं पे बन रहा है, वहीं पे बेचा जा रहा है, वहीं पे खरीदा जा रहा है, एक ही जगह पे प्रोडक्ट बनता भी वहीं है, प्रोडक्ट को खरीदा भी वहां जाता है, प्रोडक्ट को बेचा भी उसी मार्केट में जाता है. इसे हम कहेंगे लोकल मार्केट. ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं. उसके आगे आपको दिख रहा है नेशनल मार्केट. नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट, यानी हर कंट्री के पास अपना एक नेशनल मार्केट होगा, हर कंट्री के पास अपना एक नेशनल मार्केट होगा. ठीक है, चलिए, अब इन अ गिवन कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकती है, ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री. यानी ऑब्वियसली इंडियन मार्केट है तो उसको भारत सरकार चलाएगी, अमेरिकन मार्केट है उसको अमेरिकी सरकार चलाएगी. क्लियर, तो यहाँ पे हमें समझना है कि भाई जिस देश का बाजार होगा, जिस देश का मार्केट होगा, उसे उसकी गवर्नमेंट ही रन कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, चला रही है और गवर्न कर रही है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेशनल मार्केट कहेंगे, पूरे कंट्री का मार्केट. थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस में थर्ड टाइप है इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट इज अ मार्केट, इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच द बायर्स एंड द सेलर्स ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज या बाउंडर्स बॉर्डर्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंट्री और दो कंट्री मिलकर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. यहाँ पे बायर किसी और कंट्री का है और सेलर कहीं और कंट्री का है. तो जहां पे दो कंट्रीज अपने नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, अपने नेशनल सरहद को क्रॉस कर रहे हैं और ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक दूसरे से सर्विस एक्सचेंज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब हम इस मार्केट को जो है वो नेशनल मार्केट नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे इंटरनेशनल मार्केट. तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, जहां पे मार्केट डिवाइड था तीन पार्ट में, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल. क्लियर, चलिए, सेकेंड टाइप है, सेकेंड हेड है, जो ब्रॉड कैटेगरी थी वो थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या था, यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड वैल्यू लॉन्ग में डिवाइड किया गया. चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच द सप्लाई इज फिक्स एंड द प्राइस डिटरमाइंड बाय द डिमांड. ऑब्वियसली बहुत ही कम समय के लिए वो प्रोडक्ट मार्केट में आया. द टाइम पीरियड is a few days or week in which the supply of a commodity cannot be increased. यानी जितना product market में आया है बस उतना ही available होगा, उससे ज़्यादा market में चाह के भी नहीं लाया जा सकता. ठीक है, जिसमें supply increase नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास जो period है वो very short है, बहुत ही छोटा समय. क्योंकि एक seller ने let's say 50 kgs में क्या है, तो market में 50 kg ला सकता है, 500 kg नहीं ला सकता, चाह कर भी उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा तभी भी वो ज्यादा नहीं ला सकता. क्यों नहीं ला सकता है, क्योंकि उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती है. तो इस तरीके के मार्केट को कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में वेरी शॉर्ट पीरियड. ठीक है, वो कितने समय का होगा, वो फ्यू डेज का हो सकता है या फिर वीक्स का हो सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर. ये भी याद रखना है, ड्यूरेशन सबको याद रखना है, लेस देन वन ईयर. In this period, firm can only make adjustment in inputs like labor to increase the supply of goods and services. इसमें हम very short में हम क्या था, supply को बढ़ा नहीं सकते. Short में हम supply को बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने hand से जितना हम input यानी raw material, labor, electricity, fuel, हम जो जो increase कर सकते हैं, बस जो हमारे हाथ में as a manufacturer, बस हम उतनी चीज़ें increase कर सकते हैं. Short period. जिसका समय कितना है, वो है लेस देन वन ईयर, एक साल से कम समय में. इसे कहेंगे वेरी शॉर्ट में क्या था, वो कुछ दिन का था या कुछ हफ्तों के लिए. वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट में कुछ हफ्ते, कुछ महीने, ज्यादा लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप है लॉन्ग पीरियड. लॉन्ग इज द पीरियड ऑफ अ टाइम
in which the all factors of production can and cost are available. अब हमारे पास सब अवेलेबल है. लॉन्ग रन है ऑब्वियसली, यहाँ पे हम अपनी सब चीजों को इनपुट को भी आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं. इन अ लॉन्ग रन फर्म आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट. हम यानी अपने पास जितने भी चीजें हम सबको एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज फॉर फ्यू ईयर्स जनरली अप टू 5 years. कितने साल तक? नॉर्मली जनरली 5 साल तक. ठीक है, अब लॉन्ग से हम बढ़ते हैं 4th टाइप, वेरी लॉन्ग पीरियड. वेरी लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट is so long that all inputs are available. अभी हम हर चीज को जो हमारे कंट्रोल में थी वो भी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी वो भी, जो इंटरनल थी वो भी, जो इंटरनल नहीं थी वो भी, हम सबको चेंज कर सकते हैं. इट इज मोर देन 5 years. बस आपको इसका ड्यूरेशन याद रखना. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या था, सबसे पहले वेरी शॉर्ट, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ डेज के लिए होता है. फिर था शॉर्ट, जो 1 साल से कम के लिए होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टर्म 5 years तक होता है, एंड वेरी लॉन्ग टर्म वो 5 साल से ज्यादा समय के लिए होगा. क्लियर, ये चारों टाइप क्लियर हो गए आपको. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग, ये बस आपको डायग्राम याद रखना है. ये बात यही हमने पढ़ा था. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड. आई होप आपको क्लासिफिकेशन, दो मेजर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लियर हो गया होगा. आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 56 में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू वेरी मच एंड ऑफकोर्स गुड बाय.